हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गोविंद लोहिया। वेलकम टू द केमिकल काइनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी पार्ट 9। इसके पहले हमने केमिकल स्टेबिलिटी के सभी पार्ट्स के आपके वीडियो होपफुली आपने देखे हैं। अब इस वीडियो में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है डिफरेंट फैक्टर्स फिजिकल एंड केमिकल विच इन्फ्लुएंस द डिग्रेडेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यहां पर हमने ऑलरेडी इस पार्ट में पार्ट 8 में कवर किया था टेम्परेचर और सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। टेम्परेचर में हमने कोलिजन थ्योरी, इसके अलावा हमने वहीं पर हमने अरेनियस इक्वेशन, हमने इसको आगे करते हुए टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमने यहां पर टेम्परेचर वाला फैक्टर कवर किया था। अगर हम लोग आगे जाते हैं सॉल्वेंट में तो हमने सॉल्वेंट में भी बात किया था कि सॉल्वेंट का प्रेशर, या हम लोग बात करेंगे पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। हमने ये रिएक्शन कवर करते वक्त हमने एक इथेनॉल और एसिटिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन देखी थी जहां पर पोलर सॉल्वेंट फेवर मोर पोलर प्रोडक्ट व्हाइल द नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर मोर नॉन पोलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये सब हमने कवर किया। आज हम लोग देखने वाले हैं वो है इन्फ्लुएंस ऑफ द आयोनिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग सीधा वहीं पे चलते हैं जहां पे हमें देखना है इन्फ्लुएंस ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग स्लाइड नंबर 30। सो ऑलरेडी वी हैव कवर टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट अंडर द टाइटल फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। आगे चलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ आयनिक स्ट्रेन। अब डेफिनेटली कि यहां पर हम लोग बात करेंगे कि आयन्स, ये जो चीज चल रही है ये सोल्यूशन फॉर्म में बात कर रहे हैं, और मेरा वहां पर सोल्यूशन फॉर्म में ड्रग आयन या आयन आयन स्पेसिस हो सकती है जो कि कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ड्रग आयन और आयन आयन। और यही पे हम लोग आगे बात करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स प्रमोट द रेट ऑफ डिग्रेडेशन। तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा ड्रग आयन और आयन आयन स्पेसिस, इट मे प्रमोट द रेट ऑफ डिग्रेडेशन। यहां पर डीबेहकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताते हैं कि डीबेहकल थ्योरी इज फर्स्ट इंप्लॉयड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द आयनिक स्ट्रेंथ। यानी हमारे पास जो आयन हम लोग यूज कर रहे हैं या हमारे पास जो सोल्यूशन है या सॉल्वेंट सिस्टम है जिसमें आयनिक स्ट्रेंथ है, वो डीबेहकल थ्योरी यूज टू कैलकुलेट दैट आयनिक स्ट्रेंथ। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो से दैट सोल्यूशन दैट कंटेन आयनिक सोल्यूट डू नॉट बिहेव आइडियली इवन एट अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। दैट वॉज दैट इज द स्टेटमेंट अंडर द डीबेहकल थ्योरी। द डीबेहकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द थ्री अजम्पशन ऑफ हाउ आयन एक्ट इन अ सोल्यूशन। तो ये कैसे बात करते हैं और कैसे आयन एक्ट करते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन्स इन सॉल्यूशन। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे ये डिसोसिएट होंगे इनटू आयन्स इन द सॉल्यूशन। आगे हम लोग बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी डाइल्यूट ऑन द इन द ऑर्डर ऑफ 0.01 मोलार। बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेंगे। ईच आयन इज सराउंडेड बाय द आयन्स ऑफ द अपोजिट चार्ज ऑन द एवरेज। दैट मींस इसके मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज इज सराउंडेड बाय नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज के आसपास में पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू डीबेहकल थ्योरी, जिनके तीन पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर वेरी डाइल्यूट, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रहेगा। ईच आयन इज सराउंडेड बाय द आयन ऑफ द अपोजिट चार्ज। इतना होने के बाद भी हम लोग ये बात कर रहे हैं डीबेहकल के पहले ही पार्ट में कि दो ये आइडियली बिहेव नहीं करेंगे, दो देयर कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो। कौन? जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है। आगे चलते हैं, सो दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जहां हम लोग बात करेंगे पॉजिटिवली चार्ज इज सराउंडेड बाय नेगेटिव, अगर नेगेटिव बात करेंगे तो इट इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव एंड लाइकवाइज। तो इन्फ्लुएंस ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ के अंदर हम लोग फोर्थ पॉइंट में, आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, जैसे आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेंगी तैसे कब रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयन ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो आयन गेट एसोसिएटेड एज अ आयन पेयर, और इस वजह से क्या होगा, कैटालिटिक अटैक इज इनहिबिटेड। तो ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे आयनिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ती है तो। एक बहुत ही क्लियर कंसेप्ट बता दूं मैं आयनिक स्ट्रेंथ का। हम लोग आयनिक स्ट्रेंथ नलीफाई करने के लिए या बहुत हद तक के न्यूट्रल करने के लिए अपोजिट चार्जेस को, वी आर मेजरली यूजिंग द बफर, और बफर के अंदर भी हम लोग देखो तो आप इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन ही रहते हैं बफर से। यानी अगर हम लोग उसमें देखेंगे सॉल्ट, कुछ फॉस्फेट, एसिटेट, ऐसे ही हमारे पास बफर है जो कि नलीफाई करते हैं चार्जेस को। और अगर आपको याद होगा, अगर हमने पीएच बफर चैप्टर जो प्रीवियस टाइम में कवर किया है या देखा है, वहां पर हम लोग बात करते हैं कि
बफर के अंदर आइडियल बफर जो कि चेंज इन रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच शो करता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर सोल्यूट का ना हो तो अच्छा है। बस यही आयनिक स्ट्रेंथ यहाँ पे लागू होती है। ओके, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं आयन्स का, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयन अपोजिट चार्जेस इंक्रीज, आयन गेट एसोसिएटेड एज अ आयन पेयर एंड कैटालिटिक अटैक इज इनहिबिटेड। आगे चलते फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बात करते हैं, कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट एट अ डिफरेंट आयनिक स्ट्रेंथ एंड एक्सट्रापोलेट द कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम लोग बहुत अलग अलग आयनिक स्ट्रेंथ यूज करते हैं, 0.01, 0.02, 0.03, लाइकवाइज अप टू 0.1 मोलार तक के हम लोग आयनिक स्ट्रेंथ यूज करके रेट कॉन्स्टेंट एक्सट्रापोलेट करते हैं टू सी द इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं नॉरफ्लोक्सेसिन का। अगर हम लोग नॉरफ्लोक्सेसिन के बारे में बात करें तो नॉरफ्लोक्सेसिन इज मोस्ट स्टेबल एट 0.2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन पे भी स्टेबल है, इतने आयनिक स्ट्रेंथ पे भी नॉरफ्लोक्सेसिन स्टेबल है। वही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लू बारबिट्यूरिक एसिड का, इन अल्कलाइन पीएच रीजन द अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ऑन द मोनो एनायनिक एसिड पार्ट इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इफ द आयन स्ट्रेंथ इज इंक्रीज द रेट ऑफ डिग्रेडेशन इज ऑल्सो इंक्रीज फॉर बारबिट्यूरिक एसिड। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बारबिट्यूरिक एसिड में जिसमें डिग्रेडेशन फॉलो हो रहा है आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद। नॉरफ्लोक्सेसिन में हम लोग बता रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ हद तक के स्टेबल है इस रेंज के 0.2 मोलार के कॉन्सेंट्रेशन पे। नाउ यहां तक हम लोगों का टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है मेरे पास डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये हमारे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। अगर मैं बात करूं द इंटरेक्शन बिटवीन आयन्स, ये डिपेंड करती है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड। जैसे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, इट इज 80, तो अगर हम लोग बात करेंगे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम विच अफेक्ट द डेल्टा जी वैल्यू, डेल्टा जी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यहां हम लोग बात करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ये चेंज करता है, रेट कॉन्स्टेंट को वेरी करेगा एंड अल्टीमेटली यहां पर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अफेक्ट करेगा। तो ये चार ही पॉइंट हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नाउ स्पेसिफिक एंड जनरल एसिड बेस कैटालिसिस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। देखो ड्रग है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो पुअर वाटर सोल्यूबल शो करते हैं, पुअर वाटर सोल्यूबल है तो हम लोग पीएच ऑफ द मीडियम इज एडजस्टेड विथ बफर, जिससे वजह से हम लोग इसकी सोल्यूबिलिटी चेंज करते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। कई कई कोई ड्रग है ना एसिडिक पीएच में सोल्यूबल है, कई बेसिक बफर में सोल्यूबल है, बेसिक पीएच में सोल्यूबल है, सो वी कैन चेंज द पीएच एंड चेंज द सोल्यूबिलिटी। और डिपेंडिंग ऑन पीएच द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वेरीज, है ना। यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगर हमारे पास पीएच और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देखते हैं तो आयनाइज एंड अनआयनाइज ड्रग कितना है उसमें पता चलेगा। डेफिनेटली मेरा ड्रग अगर आयोनाइज है तो हम लोग बोलेंगे रिएक्शन विथ एक्सट्रीम पीएच, आयोनाइज ड्रग जाएगा। आगे चलते हैं जिसमें हमारे पास आयोनाइज ड्रग मतलब एच प्लस और ओ एच माइनस यहां हमारे पास सोल्यूशन के अंदर होंगे जिसके साथ ये रिएक्शन करेंगे आयोनाइज ड्रग। अनआयनाइज ड्रग का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अनआयनाइज फॉर्म में आयोनाइज रिएक्शन विथ एक्सट्रीम पीएच जाएगा एच और ओ एच के साथ। दैट मीन्स ये एच प्लस और ओ एच माइनस एक्ट एज अ कैटालिटिक स्पेसिस ओवर हियर। और हम लोग यहां पर बात करेंगे डज नॉट डेल्टा जी, ये डेल्टा जी को तो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं कैटालिटिक स्पेसिस जैसे ऊपर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कर रहा था, मगर उस वजह से क्या है लोअर एनर्जी बैरियर्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं एंड अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन बाय दिस मेथड और बाय दिस पाथ। यानी हम लोग क्या बोलेंगे ड्रग है वो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास ड्रग, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको पुअर वाटर सोल्यूबल है, हमने सोल्युबिलिटी चेंज की विद द एडजस्टमेंट ऑफ द बफर डिपेंडिंग ऑन द पीएच एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये ड्रग आयोनाइज या अनआयनाइज फॉर्म में रहना पसंद करेगा, पीएच और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करेगा कि आयोनाइज है या अनआयनाइज फॉर्म में। अगर मेरा ड्रग आयोनाइज फॉर्म में है तो ये रिएक्शन शो करेगा एक्सट्रीम पीएच के साथ, जहां पर एच प्लस और ओ एच माइनस जो कि कैटालिटिक स्पेसीज है ये चेंज तो नहीं करेंगे डेल्टा जी की वैल्यू, बट लोअर एनर्जी बैरियर्स के ऊपर ये अफेक्ट करती है एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन शोज द हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन बाय दिस वे। अब अगर यहाँ पे ध्यान दो आप अच्छी से तो आपको आयनाइज स्पेसिस भी लगती है और अनआयनाइज स्पेसिस भी लगती है सोल्यूशन फॉर्म में। नाउ मूविंग, सो द पीएच एंड बफर अंडरस्टैंडिंग परमिट द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपका पीएच और बफर की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ही अच्छी होना चाहिए अगर आपको स्टेबिलाईजेशन ऑफ ड्रग करना है या ड्रग प्रोडक्ट करना है। नाउ
मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट स्पेसिफिक एंड जनरल एसिड बेस कैटालिसिस का ही, जनरल एंड एसिड बेस कैटालिसिस कैटालिस्ट एंड स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिस्ट, यह जनरल क्या है और स्पेसिफिक क्या है। इन जनरल एसिड कैटालिसिस ऑल स्पेसीज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिएक्शन रेट एक्सेलरेशन। यहाँ पर सभी के सभी जो स्पेसीज है जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकती है वो रिएक्शन रेट को एक्सेलरेट कर सकती है। इट इन्वॉल्व्स द मॉलिक्यूल बिसाइड द वॉटर दैट एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर ड्यूरिंग द रिएक्शन। अपार्ट फ्रॉम द वॉटर इट इन्वॉल्व्स द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के साथ साथ वॉटर भी जो कि प्रोटॉन डोनर करेगा। रिएक्शन इन विच प्रोटॉन ट्रांसफर इज रेट डिटरमाइनिंग एग्जिबिट अ जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। दिस काइंड ऑफ कैटालिसिस इज कॉमन फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वॉटर। तो ये जनरली ऐसे ही दिखेगा आपको कि जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं वहां पर जनरल एसिड बेस कैटालिसिस दिखेगा। कैटालिसिस बाय एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी स्पेसिफिक। अगर हम लोग एसिड और बेसिस का सॉल्यूशन लेते हैं स्पेसिफिक, तो इट इज ओनली ऑब्जर्वेबल कैटालिटिक इफेक्ट आर दोज ड्यू टू द आयंस फॉर्म फ्रॉम द सॉल्वेंट इटसेल्फ नॉट बाय द ड्रग मॉलिक्यूल। जहां पर हम लोग बात करेंगे कि व्हेन वाटर इज द सॉल्वेंट द ओनली ऑब्जर्वेबल कैटालिसिस इज दैट ड्यू टू द एच प्लस एंड ओ एच आयंस। यहां पर कहीं पर भी जहां यहां पे हमने देखो इट इन्वॉल्व द मॉलिक्यूल, यहां पर कहीं पर भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस और जनरल के ये पॉइंट। तो स्पेसिफिक भी आपको समझ में आया होगा और जनरल भी आपको समझ में आया होगा। जहां जनरल में बात करेंगे तो वाइड रेंज रहेंगे, हर फैक्टर हमारे पास कैटालिसिस के लिए सिग्निफिकेंट होगा जो प्रोटॉन डोनर है, जबकि हम लोग स्पेसिफिक में बात करेंगे तो ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट। इन अ स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट इज द कैटालिस्ट, व्हाइल ओवर हियर यहां पर हम लोग बोलेंगे जनरल के अंदर तो ड्रग भी कैटालिस्ट रह सकता है, जो यूजुअली प्रोटॉन डोनर हो सकते हैं वो कैटालिस्ट है अपार्ट फ्रॉम सॉल्वेंट। द रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस। तो यहां हमारा टॉपिक कवर होता है पूरा। अब हमारा एक ही टॉपिक बचा है, वो है एसेलेटर स्टेबिलिटी टेस्टिंग, जिसका हमने बहुत अच्छी से आपको थ्योरेटिकल नोट्स प्रोवाइड की है जो आपके रिकॉर्ड में है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फोटो डिग्रेडेशन का छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और यहाँ हमारा पूरा केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक खत्म होता है। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।